हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम होमगार्ड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे, यानी कि इनकी जॉब प्रोफाइल कैसे, इनका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, सैलरी कितनी मिलती है, किस अकॉर्डिंग मिलती है, गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों बता दूं, मैं हूं लखन और आप देख रहे हैं फॉरेन क्लासेस। हमारे चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर छोटी सी बड़ी अपडेट दी जाती है। तो दोस्तों ऐसी और अपडेट के लिए वीडियो के नीचे लाल कलर बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों बात करते हैं होम गार्ड्स के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दूं कि क्रेज काफी होता है इसका युवाओं के अंदर, लेकिन ये किसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये संविदा आधारित भर्ती होती है होम गार्ड्स। यहाँ पर जहां पर जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग को रखा जाता है और बाद में इनको कुछ टाइम के लिए रेस्ट दी जाती है और वापस जब जरूरत होती है तो इनको ले लेते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है। अब इसके बारे में पूरी आपको जानकारी देने वाला हूँ, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, बाकी वाली सारी सारी अपडेट जो रियलिटी थी वो आपको मैंने पहले बता दी है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं यहाँ पर कि भाई इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, कार्य क्या होता है। दोस्तों पहले कार्य की बात कर लेते हैं। इनका काम वहां पर होता है जहां पर पुलिस वालों की संख्या कम होती है, मेन रूप से इलेक्शन के टाइम जरूरत पड़ती है इनकी, या फिर कभी कभी भर्तियों के टाइम भी जरूरत पड़ जाती है। मतलब जहां पर पुलिस वालों की संख्या कम हो, वहां पर जहां पर भीड़ ज्यादा हो, वहां पर लोगों को नियंत्रित करने के लिए होमगार्ड्स को रखा जाता है। अब ये ऐसा है, रैलियों के अंदर हो सकती हो, भर्तियों के अंदर हो सकते हो, अलग अलग कंडीशन के अंदर अप्लाई कर सकते हो आप, लेकिन मेन मकसद इनको रखने का एक ही है, भीड़ भाड़ ज्यादा हो वहां पर लोगों को कंट्रोल में लाने के लिए होमगार्ड्स को रखा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इनका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है, और उसके बाद अपने सैलरी के बारे में भी बातचीत करेंगे। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस इसके अंदर तीन चरणों के अंदर ये सिलेक्शन लिया जाता है। सबसे पहले तो मापतोल वगैरह शरीर का, उसके बाद में मेडिकल परीक्षण होता है और उसके साथ में फिजिकल यानी दौड़ भाग वगैरह जो भी है वो सारा होता है, और उसके बाद में एनसीसी वगैरह जो भी आपकी क्यू हुई है उसके आधार पर नंबर देके जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको सुन लिया जाता है। बस यही प्रोसेस होता है इसके अंदर। तो आपको पहले ही मैंने बता दिया ये संविदा आधारित भर्ती होती है, ये किसी प्रकार की गवर्नमेंट भर्ती नहीं होती है। कुछ बच्चे इस बात को मतलब उनको ध्यान नहीं होते, लेकिन जब ये जॉब लगती है उसके बाद उनको पता चलता है कि ये संविदा आधारित भर्ती है। अब बात करते हैं इसका सैलरी के बारे में भी, इसमें कितनी सैलरी मिलती है। तो दोस्तों 693 रुपए मिलते हैं, और कुछ अगर कहीं और दूर ड्यूटी ड्यूटी दी जाती है तो उस टाइम थोड़ा सा यहाँ पर DSR वगैरह कुछ वगैरह दे देते हैं, लेकिन कुल मिला के 700 रुपए पर डे के हिसाब से यहाँ पर पेमेंट दिया जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि इनको जब ड्यूटी होती है ना उसी उतने टाइम का ही पेमेंट दिया जाता है। जैसे एक साल के अंदर 6 महीने इन्होंने ड्यूटी की तो 6 महीने का ही पेमेंट दिया जाएगा, बाकी इनको आगे का पेमेंट नहीं दिया जाएगा। मतलब जितनी ड्यूटी उतना पेमेंट, ये प्रोसेस रहता है इसका। उम्मीद करता हूँ इसके बारे में आपको जो जानकारी सही थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई है और आपको पता चल गया है कि ये कैसी एक जॉब प्रोफाइल कैसी है, गवर्नमेंट है या नहीं, इसके बारे में जो भी अपडेट्स आपको सही थी सारी की सारी मैंने दे दी है। फिर भी कोई छोटा मोटा डाउट रह जाता है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जाके फॉलो करके मैसेज डाल देना, आपको इंस्टेंट रिप्लाई दे दूंगा। या नहीं कि आप होमगार्ड किसी भी जॉब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वहां पर जरूर मैसेज कर दे, आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और कमेंट बॉक्स में भी आप जरूर पूछ सकते हैं, जिससे अगर मैंने देखा तो वहां पर भी उसका भी रिप्लाई दे सकता हूँ या उस पर वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, जिससे उनको भी इसके बारे में पता चले। दोस्तों ऐसी और हेल्पफुल वीडियो के लिए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे के साथ, तब तक जय हिंद।